हाय 2020 थोड़ा सा यहाँ पे यूनिक वे से हमारा गुजर रहा है, बट इट्स ओके। जैसा भी है चलने दीजिए, अच्छा टाइम अपना टाइम सबका आएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स की, ब्लूटूथ हेडफोन की और यहाँ पे ब्लूटूथ नेक बैंड की। क्या हो अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ है, आपको ईयरफोन के थ्रू गाने नहीं सुने, थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप यहाँ पे सोच रहे हैं एक हेडफोन परचेस करने का, या फिर आप कन्फ्यूज़ है कि आपको हेडफोन लेना चाहिए या फिर एक ब्लूटूथ नेकबैंड लेना चाहिए या फिर आपको ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स लेना चाहिए, और एज़ पर योर बजट आपको एक बेस्ट चीज़ चाहिए, आपको शो ऑफ के लिए नहीं, आपको यहाँ पे क्वालिटी चाहिए, खुद के यूज़ के हिसाब से चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबकी अपने अपने यहाँ पे चॉइस होती है, अपने अपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हमने यहाँ पे हर एक कैटेगरी की रिक्वायरमेंट हिसाब से डिवाइड कर दिया है कि बैटरी, म्यूज़िक, कॉलिंग, जिम पर्पज़ वगैरह, वर्कआउट वगैरह, मल्टीटास्किंग वगैरह, कौन सा इजी आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, रखने में कौन सा इजी है, हमने यहाँ पे ट्राई किया है आपको सारा सारा गाइडेंस दे सके। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को स्मार्ट लाइक आप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स सी एज़ पर 2020 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो भी चीज़ परचेज़ कीजिए हमेशा क्वालिटी चूज़ कीजिए, ना कि मार्केटिंग, और सबके बेस्ट परचेज प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं कंफर्टेबल लेवल की, तो कंफर्टेबल के अंदर इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आप यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ नेकबैंड लगा लिया, आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास सैमसंग लेवल यू का ब्लूटूथ नेकबैंड है, इसे देख कुछ आपको ऐसे नॉर्मल यही डिज़ाइन होता है ब्लूटूथ नेकबैंड का, कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे कुछ ऐसे इसको ईजिली वियर कर सकते हैं, बात आप यहाँ पे इसे इसको पुट करके म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। कंट्रोल्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, 3 बटन्स नॉर्मली ब्लूटूथ नेकबैंड में मिलते हैं, तो कंट्रोल्स के अंदर कोई इशू नहीं आता है। मेरे पास ज़ेब्रा इलीट एक्टिव 75T है और यहाँ पे भी आपको 2 डिटेल्स मिलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इस ब्लूटूथ नेकबैंड को ये से निकाल देता हूँ और एक को यहाँ प्लग इन कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं डिज़ाइन वगैरह, यस काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई भी एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं है। इसके अलावा मेरे पास हेडफोन्स है और आप इनको कुछ ऐसे यहाँ पे इजीली हेडफोन्स को लगा सकते हैं। तो तीनों को मैंने पहन के दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं तीनों के कंफर्टेबल लेवल की, तो बात करते हैं ब्लूटूथ नेकबैंड की। आप मान लीजिए म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं उस टाइम पे, आप यहाँ पे इजीली अपने कानों के अंदर लगा के रख सकते हैं, बट जैसे आपने म्यूजिक सुनना बंद किया आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आप डायरेक्टली बस यहाँ से कानों से निकालोगे के इजीली इनको यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वापस आपके म्यूजिक वगैरह सुनना है आप यहाँ पे वापस से डायरेक्टली यहीं से उठाओगे और ईयर्स के अंदर प्लग इन कर लोगे, देन इजीली सुन सकते हो। तो जो आपकी पॉकेट है वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल लाइट वेट है, तो गर्दन के ऊपर भी आपको कोई यहाँ पे पेन वेन नहीं होगा, कंफर्टेबल के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अलावा बात करते हैं TWS की, अगर आप यहाँ पे म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं अगर आप उनको यूज़ नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ईयर से निकालना पड़ेगा, देन आपके जो चार्जिंग केस है आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, इसके बाद वापस को रखना पड़ेगा, बंद करके आपको उसमें पॉकेट में संभाल के रखना पड़ेगा। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है और आई थिंक यहाँ पे स्लाइटली एडवांटेज है ब्लूटूथ नेकबैंड को कंपेयर टू TWS। वही बात करते हैं हेडफोन्स की, तो आप कुछ ऐसे यहाँ पे हेडफोन्स इजीली लगा सकते हैं। पहली चीज़, ये इतने लाइट वेट नहीं होते हैं, जी हाँ देखने में डेफिनेटली काफ़ी स्टाइलिश और कूल लुक आपको दे देते हैं, बट जब बात आती है वेट वगैरह की तो इतने लाइट वेट नहीं है। जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो आपको बेस्ट मिलता है, आपके जो ईयर्स हैं वो पूरे पूरे इन ईयर्स कप के थ्रू यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं, म्यूजिक और लुक काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बट अगर आपको इनको रखना है तो आप इनको अपने पॉकेट में तो नहीं रख सकते हैं, आप अपने यहाँ पे नेक के ऊपर इसको कुछ ऐसे रख सकते हैं, बट इनमें डेफिनेटली काफ़ी स्टाइलिश कूल लुक दे रहा होगा। बट जब आप यहाँ पे गर्दन को नीचे वगैरह करोगे में तो ये बीच में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप मान लीजिए आप जर्नी में जा रहे हैं, आपके लॉन्ग आवर्स की सिटिंग होने वाली है, तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी अनोइंग हो जाती है। अगर मैं कंपेयर करूँ तीनों के कंफर्ट के हिसाब से, फिर रखने के हिसाब से सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री है वो ब्लूटूथ नेकबैंड है, उसके बाद TWS आते हैं, एंड देन यहाँ पे हेडफोन्स आते हैं। और कंफर्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे जिम के अंदर वर्कआउट करते टाइम, जॉग वॉक करते टाइम अगर तीनों को यूज़ करने का सोच रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सबसे कंफर्टेबल आपके लिए रहेंगे वो यहाँ पे ब्लूटूथ नेकबैंड ही रहेंगे जी, क्योंकि कई बार क्या होता है ये जो TWS होते हैं ये थोड़े से यहाँ पे लूज होते होते आपके ईयर से निकल के गिर जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है तो ये कहीं पे टिक भी नहीं सकते हैं, अगर एक बार गिर गए तो इनको वापस ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। और वहीं पे आप ब्लूटूथ नेकबैंड लगा के रनिंग कर रहे हैं तो अगर ये गिरते हैं तो आपके यहाँ पे नेक के अंदर आके रुक जाएंगे, ये ज़मीन पे नहीं गिरेंगे, खोने का खतरा बहुत कम है। और जब बात आएगी हेडफोन्स की तो यस आप डेफिनेटली इनको लगा के रनिंग वनिंग कर सकते हैं,
बट थोड़ी देर बाद में जब आपके यहाँ पे स्वेटिंग आना स्टार्ट होगी, थोड़े पसीने आएंगे, तो ये जो ईयर कफ्स वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इतने यूज़फुल नहीं होते हैं जब बात आती है रनिंग वनिंग की। हेडफोन यूज़फुल नहीं होते हैं, और ओवरऑल बात करता हूँ तो यहाँ पे ब्लूटूथ नेकबैंड सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो नेकबैंड कम्पेयर टू TWS एंड हेडफोन्स। कंफर्ट की बात कर लिए, बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, क्योंकि जो मोस्टली हमारा पर्पस होता है वो होता है गाने सुनना, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना, गेम्स वगैरह खेलना, और उसके लिए हमें चाहिए अच्छी खासी बैटरी बैकअप। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप किसके अंदर मिलता है, तो पहली चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, TWS का जो हाईएस्ट सेगमेंट है बैटरी के अंदर वो 11 आवर्स है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस में देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करता हूँ मैं ब्लूटूथ नेकबैंड की, तो ये सैमसंग लेवल यू है, इनके अंदर आपको अप्रोक्स 11-12 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाता है, बट ये हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट के अंदर अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर अप टू यहाँ पे 20 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देने वाले ब्लूटूथ नेकबैंड्स अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पे वन प्लस का बुलेट जी करके लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और वहीं पे बात करता हूँ हेडफोन्स की, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, इवन इसके अंदर भी आपको अबाउट 22 आवर्स के समथिंग कुछ देखने को मिल जाता है। मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे 25 प्लस आवर्स तक का बैटरी बैकअप देने वाले हेडफोन्स अवेलेबल है। तो अगर बैटरी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको हेडफोन्स में देखने को मिलता है, उसके बाद ब्लूटूथ नेकबैंड के अंदर, और उसके बाद आपको यहाँ पे TWS के अंदर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और जब हम यहाँ पे बैटरी की बात कर ही रहे हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है, वो है गेमिंग डिपार्टमेंट। जी आप मान लीजिए नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वहाँ पे साउंड डिले वगैरह आप मान के चलिए ऑलमोस्ट सबके अंदर आपको देखने को मिलती है, चाहे पे TWS हो, चाहे पे ब्लूटूथ नेकबैंड हो, चाहे पे हेडफोन्स हो। बट यहाँ पे आप लो लेटेंसी मोड तीनों के अंदर लग गया, चाहे पे ब्लूटूथ नेकबैंड हो, TWS हो या फिर हेडफोन्स हो, तीनों के अंदर आपको लो लेटेंसी मोड देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे पबजी ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे साउंड लैग धीरे हो जाती है। अगर आप एक गेमर है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप हमेशा कोई भी वायर वाले हेडफोन यूज़ कीजिए, या फिर आप ईयरफोन यूज़ कीजिए, आपको जो साउंड डिले, जो साउंड लैग है, इशू नहीं आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई अच्छी क्वालिटी वाले हेडफोन्स प्रीफर कीजिए, जिसके अंदर लो लेटेंसी मिलती हो। देन यहाँ पे आप ब्लूटूथ नेकबैंड भी प्रीफर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लो लेटेंसी मोड दिया गया हो। एंड देन लास्ट आप यहाँ पे किसी TWS को प्रीफर कीजिएगा, लो लेटेंसी मोड इनके अंदर भी अवेलेबल है कुछ कुछ TWS के अंदर, तो पहले आप वो चीज़ नोटिस कर लीजिएगा। सेकेंड चीज़, जो साउंड लैग है वो मुझे ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे इवन जो प्रीमियम TWS है उनके अंदर देखने को मिली है। चाहे पे आप यहाँ पे अप टू 20,000 rupees पे कर दीजिए, जो साउंड लैग वगैरह है वो आपको TWS में देखने को मिल जाएगी, बट ये चीज़ मुझे सबसे कम देखने को मिली है हेडफोन्स के अंदर। देन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, वो है इनका म्यूजिक डिपार्टमेंट। जी हाँ, तीनों के अंदर काफ़ी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाता है, डिपेंड करता है आप कितने यहाँ पे अमाउंट पे कर रहे हैं। बट आपको एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो डिज़ाइन है हेडफोन्स का वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि जो ओवरऑल जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो आपको बेस्ट मिले। जी हाँ, जब आप यहाँ पे इनको अपने ईयर्स को प्लग इन कर देते हो, आप कुछ ऐसे आप मान लीजिए, तो पहली चीज़ होती है क्या, आपके जो ईयर्स है पूरी तरह वैसे कवर अप हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बैलेंसिंग वगैरह है, जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, जो बेस वगैरह है, काफ़ी अच्छा सुनाई देगा अगर आपने कोई अच्छी क्वालिटी वाले हेडफोन्स लगा रखे हैं। तो क्वालिटी के अंदर जी हाँ, सबसे अच्छा जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली हेडफोन्स के अंदर देखने को मिलता है, चाहे आप कितने भी रुपीज़ पे कर लीजिए ब्लूटूथ नेकबैंड के अंदर, फिर TWS के अंदर। बट जो एक ओवरऑल जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, जी हाँ, जो इमोशंस वगैरह होते हैं, चाहे आप सैड सॉन्ग सुने, रोमांटिक सॉन्ग सुने, चाहे पे आप रैप सुने, यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग सुने, पंजाबी सॉन्ग सुने, ओवरऑल जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, जो म्यूजिक की जो क्वालिटी है, जो बेस वगैरह है, डीप बेस, हाई बेस, जो बैलेंसिंग वगैरह है, वो सब आपको सबसे ज़्यादा हेडफोन्स में देखने को मिलेगी। और अगर आप एक म्यूजिक लवर है जिसकी प्रायोरिटी सिर्फ म्यूजिक सुनना है, तो मैं कहूँगा आप हमेशा कोई अच्छी क्वालिटी वाला हेडफोन चूज़ कीजिएगा कम्पेयर टू ब्लूटूथ नेकबैंड और TWS। हम आते हैं ब्लूटूथ नेकबैंड के अंदर, तो ब्लूटूथ नेकबैंड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, डिफरेंट म्यूजिक क्वालिटी देखने को मिल जाती है, एक ओवरऑल अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको इनके अंदर भी देखने को मिल जाता है। सैमसंग लेवल यू की बात करता हूँ, जो मैंने अभी पहन रखे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्लियरिटी अच्छी मिलती थी, पर जो बेस वगैरह इतना हाई नहीं मिलता है, प्राइस इसकी ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्स आप मान के चलिए बिलो 2,500 rupees समथिंग ये आपको कुछ पड़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ब्लूटूथ नेकबैंड अवेलेबल, जिसके अंदर बेस वगैरह काफ़ी हाई मिल जाता है, क्लियरिटी मिल जाती है। तो यस, यहाँ पे ब्लूटूथ नेकबैंड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब बात आती है म्यूजिक एक्सपीरियंस की। कम प्राइस के अंदर आपको एक डिसेंट म्यूजिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देते हैं। वहीं पर बात करते हैं TWS की, तो TWS के अंदर डेफिनेटली जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। मेरे पास ये जेब्रा लाइट एक्टिव 75T है, इनका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, जो बेस वगैरह है, काफ़ी अच्छा दिया गया है। एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी है।
आप मान के चलिए अप्रोक्स 15-16 हज़ार रुपये मेरे को पे करने पड़े हैं इस साउंड क्वालिटी के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 3-4 हज़ार से कम के अंदर एक अच्छा खासा TWS जिसके अंदर म्यूजिक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल जाए, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है। एक या दो TWS होंगे जो अप्रोक्स 4 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएंगे, जिनके अंदर जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो अच्छा मिल जाएगा। बट अगर आपको एक बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मान के चलिए आपको उसके लिए एक प्रीमियम अमाउंट डेफिनेटली पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सनाइजर SG 4.5 है, जिनको जब मैंने परचेज किया तो आई थिंक यहाँ पे 6-7 थाउजेंड के आसपास कुछ मुझे पड़े थे। ये मुझे 15-16 हज़ार वाले TWS है उनसे अच्छी साउंड क्वालिटी दे रहे हैं। इवन मैंने यहाँ पे 8-9 हज़ार वाले ब्लूटूथ हेडफोन भी यूज़ किए हैं, उनसे भी अच्छी साउंड दे देते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक के अंदर सबसे जो बेस्ट है, आप एक अच्छी क्वालिटी वाला हेडफोन प्रीफर कीजिए कंपेयर टू ब्लूटूथ हेडफोन। तो म्यूजिक हो गया है, बट इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, वो होता है कॉलिंग डिपार्टमेंट। जी हाँ, तो कॉलिंग के अंदर अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ हेडफोन्स की, तो हेडफोन्स डेफिनेटली आप इसको इंडोर कंडीशन के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। मीन्स आप रूम के अंदर हैं तो आप इजीली यहाँ पे आगे वाले इंसान से बात कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। बट इंडोर कंडीशन के हिसाब से डेफिनेटली सही है, बट जैसे आप यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में जाओगे जहाँ पे पीछे जो हवा वगैरह या फिर जो ट्रैफिक जो हॉर्न्स वगैरह है वो आ रहे हैं, तो किसी किसी हेडफोन्स के अंदर आपको नॉइज़ कैंसिल देखने को मिलता है, बट वो इतने प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा हेडफोन्स के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं ब्लूटूथ नेकबैंड की, तो यहाँ पे वैसे अगर मैं बात करूँ सैमसंग लेवल यू की, तो यहाँ पे नॉइज़ कैंसिल देखने को मिल जाता है। तो ईजिली चाहे पे आप इंडोर हो चाहे पे आप आउटडोर हो, दोनों के अंदर आपकी जो आवाज़ है काफ़ी लाउड एंड क्लियर पहुँच जाती है, आगे वाला इंसान ईजिली आपकी आवाज़ सुन लेता है। इसके अलावा आप मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, बड़ी तेज़ है, यहाँ पे हवा चल रही है, तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप जो इसका माइक होता है डायरेक्टली अपने मुंह के सामने लाके एंड देन आगे वाले से बात कर सकते हैं, तो कैसे ना कैसे करके आपकी जो आवाज़ है आगे वाला इंसान डेफिनेटली सुन लेगा। आपको यहाँ पे ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आप हेडफोन में नहीं कर सकते थे, ब्लूटूथ नेकबैंड में कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स की, तो इसके अंदर इंडोर कंडीशन में डेफिनेटली बड़ा अच्छा वर्क करता है। और अगर आपने यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले TWS परचेस कर रखे हैं, आप मान लीजिए ज़ेब्रा लाइट एक्टिव 75T है या फिर सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस है, इवन ओप्पो एनको फ्री TWS है, तो अगर आपने यहाँ पे 8 हज़ार रुपये से ऊपर वाले TWS परचेस कर रखे हैं तो इंडोर और आउटडोर दोनों के अंदर कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा चल जाता है। बट वही चीज़ आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? हाँ, एक तरीका हो सकता है कि आप एक बड को निकाल के एंड देन अपने मुंह के सामने ला के आगे वाले इंसान से बात कर सकते हैं। इस केस के अंदर सिर्फ एक ही आपके कान के अंदर आवाज़ आएगी, दूसरे में आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिमिटेशन है, चाहे पे हेडफोन हो चाहे पे TWS हो, कॉलिंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो रखी है। और सबसे जो बेस्ट एक्सपीरियंस है कॉलिंग के हिसाब से, आप ईयरफोन को छोड़ दीजिए, वो आपको देते हैं ब्लूटूथ नेकबैंड। और ब्लूटूथ नेकबैंड के अंदर वही ब्लूटूथ नेकबैंड प्रीफर कीजिएगा जिनके अंदर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर 80-90% ब्लूटूथ नेकबैंड के अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स के अंदर ब्लूटूथ नेकबैंड सबसे अच्छे कंट्रोल्स देते हैं, प्रॉपर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा कोई कन्फ्यूजिंग कंट्रोल देखने को नहीं मिलते। जी हाँ, सबसे अच्छे कंट्रोल्स आपको ब्लूटूथ नेकबैंड मिलेंगे, उसके बाद आपको हेडफोन्स में मिल जाते हैं, और यहाँ पे TWS का डेफिनेटली कंट्रोल सारे मिलते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड होता है आपके ईयर्स में, बिल्कुल बीच बीच में पेनफुल भी होते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफिकल्ट भी होता है कंट्रोल्स के हिसाब से। लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, वो है कनेक्टिविटी रेंज वगैरह। तो यहाँ पे सबसे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वैसे ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बट सबसे अच्छा रेंज और कनेक्टिविटी के हिसाब से परफॉर्म करते हैं वो हेडफोन्स होते हैं, देन उसके बाद ब्लूटूथ नेकबैंड काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी रेंज में प्रॉपर वर्क करते हैं, देन ये TWS आते हैं। तो मोस्टली सारे सेगमेंट्स कवर अप कर दिए हैं। बात करता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पहले हम बात करते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स की। तो पहली चीज़, अगर आपको एक अच्छे साउंड क्वालिटी वाला TWS चाहिए तो आपको यहाँ पे मान के चलिए अप्रोक्स 10,000 रुपीज़ के आसपास पे करने पड़ेंगे, जिसके अंदर जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो अच्छा मिले, एक डिसेंट बैटरी मिल जाए। जी हाँ, बैटरी के अंदर मुझे काफ़ी शिकायत होती है, आप मान के चलिए ऑन एवरेज 4 घंटे से मैक्सिमम 7 घंटे तक का आपको TWS के अंदर बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलना चाहिए था। बट अच्छी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे आपको चार्जिंग केस मिलता है, तो आप डायरेक्टली इनके थ्रू उनको चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, जो लुक है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, और म्यूजिक एक्सपीरियंस ही आप डिसेंट मान लीजिए, बट इनकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती है। पहली चीज़ तो ये, जब आप यहाँ पे इनको रनिंग वनिंग के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे चाहे कितने भी कंफर्टेबल कितनी फिटिंग आपको दे दी जाए, बट जब आप इनमें हैवी रनिंग करोगे
उस टाइम पे आप मान के चलिए 5 या 10 मिनट बाद आपके ईयर से लूज होके ये गिरने लग जाएंगे। तो अगर आप इनको रनिंग के हिसाब से यूज़ करना है तो मैं कहूँगा कि आप हमेशा इनके ऊपर एक ऐसे कुछ यहाँ पे कैप पहन लीजिएगा ताकि आपके ईयर्स कवर अप हो जाए, उसके बाद आप यूज़ कीजिएगा। स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे बाहर, जी हाँ, मान लीजिए पार्क में, रोड के ऊपर रनिंग करने जा रहे हैं, जिम विम के अंदर डेफिनेटली अगर गिर भी जाते हैं तो वापस मिल सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे घर से बाहर जाते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करता हूँ, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इनको 12-13 हज़ार फिर 10 हज़ार के आसपास परचेज करते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी सारे आपको लिमिटेशन देखने को मिलेगी। जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बेस्ट नहीं मिलेगा, जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो आपको जो 4-5 हज़ार रुपये अगर 5-6 हज़ार के जो हेडफोन्स आ रहे हैं उनसे आपको बिलो ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट पैकेज डेफिनेटली नहीं है, और कहीं ना कहीं आप माने ना माने बट इनको परचेस करने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होता है स्टाइल, या फिर मैं कहूँ तो एक शो ऑफ। सुनने में डेफिनेट थोड़ा अजीब लगेगा बट रियलिटी यही है, लुक और शो ऑफ के चक्कर में हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हेडफोन्स की। जी हाँ, तो ये मेरे फेवरेट सनाइजर SD 4.5 है। इनका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिल जाता है, तो म्यूजिक और बैटरी के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं हेडफोन्स। अगर आप यहाँ पे मान के चलिए 5 हज़ार रुपीज पे करते हैं आपको काफ़ी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, इवन मैं इनको इजीली एज ए गेमिंग पर्पज़ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपकी भी 3 सेगमेंट प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर इनको आपको रखना है तो आपको यहाँ पे सेपरेटली एक बैग लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से गर्दन में रखे रखे आपको खुद को डिस्कम्फर्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे भी है, बट क्योंकि म्यूजिक एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इनको भी परचेज कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, रनिंग वनिंग के हिसाब से आप डेफिनेटली इनको पहन कर रनिंग वनिंग कर सकते हैं, बट रियलिटी यही है कि इनके जो डिज़ाइन है ये रनिंग के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स होके फिर आप म्यूजिक एक्सपीरियंस सुनिए, ना कि इनको रनिंग करते टाइम यूज़ कीजिएगा। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से डेफिनेटली ये वर्दी टू स्पेंड होते हैं, बट पहले डिसाइड कर लीजिएगा आपकी रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई है वही है या फिर उससे अलग है। अब बात करते हैं ब्लूटूथ नेकबैंड की। तो यहाँ पे डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से जो सबसे आपको चीपेस्ट मिलता है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे TWS और हेडफोन्स की, तो आपको ब्लूटूथ नेकबैंड देखने को मिल जाते हैं, बट इनकी भी लिमिटेशंस है। जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है हेडफोन जितना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, चाहे पे आप यहाँ पे 4,000 पे कर दीजिए, 8,000 रुपये पे कर दीजिए, बट उसके अलावा आपको एक अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाएगा। आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग पर्पज का तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आपको डायरेक्टली बस इनको यहाँ से निकाल के बस ऐसे पुट कर देना होता है, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपको म्यूजिक वापस सुनना है तो आप डायरेक्ट इनको प्लग इन कर सकते हैं, तो रखने के झंझट नहीं है। आप लॉन्ग सिटिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कहीं पे भी गर्दन के ऊपर हैवी मटेरियल रखा हुआ फील नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग है, आप चाहे जिम विम के साथ यूज़ करना चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके ब्लूटूथ नेकबैंड में नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है तो कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा दे देते हैं, म्यूजिक एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से डेफिनेटली मैं कहूँगा ब्लूटूथ नेकबैंड प्रीफर कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को इतने स्टाइलिश नहीं लगे, बट एक खासा बैटरी बैकअप, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, मल्टीपर्पज़, और मैं कहूँ तो एक ओवरऑल जो कंफर्टेबल डिज़ाइन होता है वो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग वो आपको ब्लूटूथ नेकबैंड में देखने को मिलता है। अगर मैं तीनों को कंपेयर करता हूँ तो मैं कहूँगा ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से सोचने समझने के बाद में एक फाइनल डिसीजन लूँ तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बिलो 4,000 रुपीज़ के अंदर एक अच्छा सा ब्लूटूथ नेकबैंड प्रीफर करना चाहूँगा कंपेयर टू ये कॉस्टली ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। वही म्यूजिक एक्सपीरियंस अगर मुझे 4,000 रुपये से कम में मिल जाता है तो मैं यहाँ पे 15-16 हज़ार रुपये क्यों पे करूँ। तो अगर सिर्फ मेरी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ म्यूजिक है तो मैं कहूँगा 5,000-6,000 रुपीज़ के अंदर आप एक अच्छा सा हेडफोन परचेस कर लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, कोई फीडबैक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्मार्ट लाइक अप्रो नाम से बना हुआ है वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को स्मार्ट लाइक अप्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को शेयर करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे आप जैसे लोग हैं उनको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी इस टाइम पे घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस वगैरह है वो फॉलो कीजिए। घबराइए मत, सिर्फ आपको यहाँ पे अवेयर होके रहना है। सेव नाटा, बाय बाय, टेक केयर।